नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। दीपक पालीवाल पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास नेताओं में से वर्तमान में दीपक पालीवाल जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी है। शनिवार देर शाम कांग्रेस की एक सूची सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें कांग्रेस के टिकट के दावेदारों के नामों की, जिसमें भाजपा नेता दीपक पालीवाल का नाम भी था। सूची सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होने लगी थी। रविवार को भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में दीपक पालीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा इस बात का खंडन किया गया है कि उनके द्वारा कोई बायोडेटा कांग्रेस को नहीं दिया गया। उनका कहना था कि उनके द्वारा कांग्रेस से टिकट की दावेदारी नहीं की जा रही है। कांग्रेस द्वारा उनकी छवि धूमल करने को लेकर इस तरह की सूची में उनका नाम जारी किया गया है। उनका कहना था कि मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और भाजपा में ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसीलिए वह इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। उनका कहना है कि वह इसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में उनके नाम को गलत बताया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस मुंगावली के अध्यक्ष नरेंद्र नोमी शर्मा ने सूची में भाजपा कार्यकर्ता के नाम होने पर कहा कि टाइपिंग होने की त्रुटि मात्र है, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली जिला अशोकनगर से इकबाल जमींदार की रिपोर्ट। कई आरोप लगाए कांग्रेस पर, तो एसपी आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाजपा के आरोपों के बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, पर हाँ, कांग्रेस की एक संभावित प्रत्याशियों, कमलनाथ जी के प्रोग्राम को लेकर एक संभावित प्रत्याशियों की सूची आई है, जिसमें त्रुटिवश टाइपिंग की एक छोटी सी गलती, मानवीय गलती से, आदरणीय आशीष पालीवाल जी की जगह उनके चाचा श्री दीपक पालीवाल जी का नाम आ गया है। दीपक पालीवाल जी चूँकि पुराने कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसियों के दिल में आज भी बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आशीष पालीवाल जी की जगह दीपक पालीवाल जी का नाम है। छोटी सी गलती है, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, उस गलती को सुधार लिया गया है। लिस्ट में नाम अपडेट हो गए हैं, जल्दी ये लिस्ट आपको द्वारा आप लोगों के बीच आ जाएगी।